हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के तरफ से नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सारे पे स्केल दिए गए हैं। तो प्रोफेसर पोजिशन के लिए यहाँ पे लेवल 14 रखा गया है। तो एंट्री पे आपको मिलेगा 1,44,200 रुपीज पर मंथ। एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए लेवल 13A1 रखा गया है। तो एंट्री पे यहाँ पे है 1,31,400 रुपीज पर मंथ। असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए लेवल 10 रखा गया है। तो यहाँ पे एंट्री पे आपको देखने को मिलेगा 57,700 रुपीज पर मंथ। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलेगा एंड फैसिलिटीज बेनिफिट्स ऑल्सो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके सारे डिपार्टमेंट्स एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, इंग्लिश एंड मैनेजमेंट स्टडीज। ठीक है, यहाँ पे जो कॉलम्स है हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी चेक कर सकते हैं। एंड टोटल वैकेंसी अगर देखे तीनों पोस्ट को मिला के, तो यहाँ पे टोटल 110 वैकेंसीज यानी कि 110 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। ठीक है, तो ह्यूज वैकेंसीज है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट जो है वो 28 फरवरी को रखा गया है। 28 फरवरी यहाँ पे लास्ट डेट है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। बट यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करना है, जो प्रिंट आउट आपको यहाँ पे प्रिंट आउट लेना है आफ्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन, एंड देन वो सेंड कर देना है विद ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो वो सेंड करने का जो लास्ट डेट है वो है 11th of March। ठीक है, तो 11 मार्च को यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया है फॉर हार्ड कॉपी सबमिशन। ठीक है, एंड जो लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, एक्टिवेट हो चुका है 20 जनवरी से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक शैल बी एक्टिवेट फ्रॉम 20 जनवरी 2024। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो लिंक है वो ऑलरेडी एक्टिवेट है। ठीक है, तो अभी जो है आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो इंटरव्यू के लिए जो भी कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा उनको कोई भी टीडीए नहीं मिलेगा, तो अपने खर्चे पर वहाँ पे आपको प्रेजेंट होना होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आप स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड कोई भी पोस्ट आप यूज कर सकते हैं। एंड जो लास्ट डेट मैंने बताया उसी लास्ट डेट मतलब 11 मार्च को यहाँ पे आपका लास्ट डेट है, तो उसी दिन आपको पहुंच जाना है, मतलब हार्ड कॉपी आपको सेंड कर देना है बाई 5 PM। ठीक है, एप्लीकेशन फीस अगर देखिए तो फिर आप देख सकते हैं 2,500 रुपीज रखा गया है फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, एंड 1,250 रुपीज रखा गया है फॉर एससीएसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। एंड ये जो फीस है ये फुल्ली नॉन रिफंडेबल है एंड आपको ऑनलाइन मोड में पे करना होगा। ठीक है, चलते हैं एलिजिबिलिटी पर। तो यहाँ पे देखिए, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए अगर देखा जाए तो बीई, बीटेक, बीएस के साथ साथ एमई, एमटेक, एमएस आपके पास होना चाहिए इधर, और आपके पास इंटीग्रेटेड एमटेक होना चाहिए इन रिलेवेंट ब्रांच। ठीक है, विद फर्स्ट क्लास। एंड देन यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट दिए गए हैं कि जिन्होंने पीएचडी कम्प्लीट किया है आफ्टर बैचलर्स डिग्री, तो उसके साथ साथ उनके पास कोई भी मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशन से आपका होना चाहिए बैचलर्स डिग्री विद गेट, जीपैट एंड और सीट। ठीक है, कोई भी एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए तीनों में से। उसके साथ साथ एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए अगर देखा जाए यहाँ पे, तो पीएचडी डिग्री इज मैंडेटरी, पीएचडी डिग्री आपके पास होना चाहिए इन द रेलिवेंट फील्ड एंड फर्स्ट क्लास आपके पास होना चाहिए एट इधर बैचलर्स और मास्टर्स लेवल। उसके साथ साथ आपका टोटल जो है 6 रिसर्च पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए इन एससीआई जर्नल्स या फिर ईजीसी केयर या फिर एआईसीटीई अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्स में। ठीक है, मिनिमम 8 साल की एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन टीचिंग, रिसर्च या फिर इंडस्ट्री किसी भी फील्ड से, बट जिसमें से एटलीस्ट 2 साल आपका पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो टोटल 8 साल की एक्सपीरियंस रखा गया है इसमें आप जो है पीएचडी का एक्सपीरियंस है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 साल, 8 साल में से एटलीस्ट 2 साल आपका होना चाहिए कि आपने पोस्ट पीएचडी आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपका आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप प्रोफेसर पोजीशन के लिए अगर देखा जाए तो पीएचडी डिग्री के साथ साथ आपके पास यहाँ पे 10 इयर्स की मतलब 10 इयर्स की आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग, रिसर्च इन इंडस्ट्री किसी भी फील्ड से। ठीक है, जिसमें से एटलीस्ट 3 साल की आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एसोसिएट प्रोफेसर, 6 रिसर्च पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए
एंड एटलीस्ट 2 सक्सेसफुल पीएचडी गाइडेड एज सुपरवाइजर और को सुपरवाइजर की एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसका और एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, अगर आपके पास 10 रिसर्च पब्लिकेशंस है, देन आपके पास अगर कोई भी सुपरवाइजर की एक्सपीरियंस अगर नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद 10 रिसर्च पब्लिकेशंस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं साइंस के लिए। तो साइंस के लिए देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होना बहुत जरूरी है विद 55% मार्क्स, एंड उसके साथ साथ नेट क्वालिफाई होना चाहिए। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आपने नेशनल लेवल पे क्वालिफाई नहीं किया है, स्टेट लेवल पे किया है स्लेट या फिर सेट, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अगर नेट स्लेट सेट कोई भी एग्जाम आपने क्लियर नहीं किया है बट आपके पास पीएचडी डिग्री है इन द कंसर्न सब्जेक्ट, देन आप यहाँ पे बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी डिग्री के लिए कुछ कंडीशन यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर पोजिशन के लिए। तो एज ऑलवेज एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोजीशन के लिए जो पीएचडी डिग्री है वो मैंडेटरी होता है हमेशा। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ पीएचडी डिग्री इज मैंडेटरी इन द कंसर्न डिसिप्लिन, एंड मास्टर्स डिग्री में आपका एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए। मिनिमम 8 साल की एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए टीचिंग या फिर रिसर्च किसी भी फील्ड में, ठीक है। एंड 7 पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए, रिसर्च स्कोर जो है टोटल वो 75 होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं प्रोफेसर पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए, पीएचडी डिग्री इज मैंडेटरी एज ऑलवेज एंड मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए इन द एससीआई और यूजीसी के लिस्टेड जर्नल्स में। टोटल रिसर्च स्कोर 120 होना चाहिए एंड जो एक्सपीरियंस है टीचिंग एक्सपीरियंस वो यहाँ पे 10 साल की रखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पे देखिए बेस्ड ऑन योर एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ पे आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा, ठीक है। तो कैसे होगा, तो एकेडमिक रिकॉर्ड जैसे देखिए ग्रेजुएशन में अगर आपको 80% या फिर उससे भी ज्यादा मार्क्स मिला था तो यहाँ पे आपको 15 स्कोर मिलेगा, ठीक है। 60% से लेकर 80% के बीच में अगर आपको मार्क्स मिला था इन ग्रेजुएशन, देन आपको यहाँ पे 13 स्कोर मिलेगा। तो ऐसे करके जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना मिला था, एंड अगर आपने क्वालिफाई किया है नेट विद जेआरएफ तो आपको 7 स्कोर मिलेगा, ठीक है। अगर आपने सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है विदाउट जेआरएफ देन आपको 5 स्कोर मिलेगा। तो ऐसे करके आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड इसी तरीके से जो है यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 100 में से जिनको भी मतलब जिनको ज्यादा मिलेगा उसका मतलब रैंकिंग वैसे ही किया जाएगा, ठीक है। पूरे यहाँ पे टेबल बना हुआ है बहुत ही डिटेल्स में, कौन सी पब्लिकेशन क्या क्या फेलोशिप आपके पास होना चाहिए इंटरनेशनल नेशनल, तो फिर कितना स्कोर मिलेगा, सभी जो है यहाँ पे मतलब बहुत ही डिटेल्स में दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जनरल कंडीशंस। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं एप्लीकेशन फीस वगैरह, ठीक है, तो वो यहाँ पे फिर से दिए गए हैं। सेपरेट एप्लीकेशन आपको करना है अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लास्ट डेट देखिए फिर से दिए गए हैं, 28th of February लास्ट डेट है। ऑल रेगुलर पोस्ट कैरीज ड्यूरेंस अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस वगैरह ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके थे। उसके साथ साथ क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देना है सेल्फ अटेस्टेड करके, जो प्रिंट आउट आपको सेंड करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, एंड उसके साथ पासपोर्ट साइज एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ भी आपको पेस्ट करना है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपका स्पेस ऑलरेडी दिया गया है उसी स्पेस में आपको जो है पेस्ट करके फिर सेंड करना है। एंड जो एनवेलप में आप सेंड करेंगे उसके लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको लिखना है एडवर्टाइजमेंट नंबर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या कैटेगरी है आपका, एंड डिपार्टमेंट क्या है, ठीक है। तो सारे चीजें जो है आपको डिटेल्स में लिखना है एंड देन सेंड कर देना है, ठीक है। बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन है, 110 वैकेंसीज के साथ, जरूर अप्लाई कीजिए, बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक लगा मुझे, एंड आप लोगों के लिए भी ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो जरूर अप्लाई कीजिए। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आया है मदन मोहन मालविया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर के तरफ से, जो कि यूपी में पड़ता है, ठीक है। पब्लिशिंग डेट आप देख सकते हैं 19th of January 2024, ठीक है। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत हो, एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।